वेलकम बैक बुलेटिन का आगाज इस बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी सेक्रेटरी दफा जेम्स मैटिस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया। ट्रंप को साफ बता दिया कि अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान कतई नहीं है। बल्कि दफाई अखराजात में कटौती है। अमेरिकी कौमी सलामती के खिलाफ बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। जेम्स मैटिस का कहना था कि 16 सालों में दफाई कटौतियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी अमेरिकी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान में भी इसी वजह से नाकाम हुए। फैलता हुआ जाल अमरीका के लिए बवाल बन गया है। जंगों में हजीमत का सामना करने वाले अमरीका को मुआशी तौर पर मजबूत होता हुआ चीन और रिश्ता कमरूज खटकने लगा है। दोनों ममालिक का मुकाबला करने के लिए तरजीहात बदलना शुरू कर दी। के मुताले 11 सफात पर मुश्तमिल दस्तावेजात भी जारी कर दी। इसी पर बात करेंगे। दिफा तजिया का ब्रिगेडियर रिटायर किया था तूर साहब ने ज्वाइन किया है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने तो भरपूर जवाब दिया ही है, लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ बिल्कुल, अमरीका के जो बड़े बड़े उनके अहदेदार हैं उनके मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। अभी ये जेम्स मैटिस साहब ने कहा है कि उनकी अपनी तो उन्होंने फंडिंग नहीं दी उनकी हुकूमत ने और वो वसाइल की कमी की वजह से अफगानिस्तान में शिकस्त का इतराफ़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो निकी हई साहब हैं वो जो एडवाइजर हैं वो फरमाती हैं कि बाइस है अगर काबिल में नाकामी हुई तो वो पाकिस्तान की वजह से हुई। वो वहाँ पर अमन की कोशिश करते हैं पाकिस्तान, वो कहते हैं कि वहाँ पर अमन की कोशिशों को तो ये मुख्तलिफ किस्म के उनके बयानात आ रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि अमरीका जैसी रियासत इतनी बड़ी सुपर पावर जो है वो सख्त परेशानी तशनज और आप कहें कि जहनी इंतजार का शिकार है। पाकिस्तान का नैरेटिव है कि हमें अमरीका की जरूरत नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं अमरीका को ही हमारी जरूरत है, वो भी मजबूत हो रहा है। जी बिल्कुल, वो नैरेटिव मजबूत हो रहा है और वायर से लिखी हुई हकीकत है। वो ऐसी हकीकत है जो तमाम दुनिया में नविश्ता पर दीवार है और एशिया की जमीन पे लिखी हुई है, सिचुएशन में लिखी हुई है। जी। आप देखिए पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत देखिए कि ये अरब के ऊपर हमारा 700 किलोमीटर का साहिल है। हमारी जो लोकेशन है वो चाइना और रशिया का जो जोड़ बनता है उसके और पाकिस्तान से डायरेक्ट रास्ते जाते हैं दक्षिण एशिया को, जिसको वो जॉन मैकिंडर साहब हार्टलैंड कह गए दुनिया का। तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा अहमियत है और अमेरिका ये अहमियत नजरअंदाज नहीं कर सकता। रोशनी डाली आपको बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तानी सफीर ने भी अमेरिका पर साफ साफ वाज़ह कर दिया, कहते हैं ठोस शवाहिद और हकीकत पर बात करें